हेलो फ्रेंड्स, सभी को राम राम सीताराम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक हैंगर लिया है। हैंगर मजबूत होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने कुछ चूड़ियाँ ली हैं। ये कांच की चूड़ियाँ ना हो तो ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से चूड़ी ली हैं। इसके लिए मैंने मेटल की चूड़ियों का यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम एक धागा लेंगे, मजबूत होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऊन का यूज़ किया है। देखिए, इस तरीके से हमें चूड़ी को यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से हमें इसको अच्छे से बांध देना है। अब हम दूसरी चूड़ी लेंगे और उसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पर बांध देंगे। देखिए, इसको हमें अच्छे से टाइट बांधना है। एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा और यह बहुत ही यूज़फुल होगा। इस पर आप अपना बहुत सारा सामान हैंग कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें इन चूड़ियों को यहाँ पर अटैच कर देना है। और आपका हैंगर जितना बड़ा हो और उसमें जितनी भी चूड़ियाँ हैंग हो जाएं वो आप हैंग कर दीजिए। देखिए, और इन दोनों चूड़ियों के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है, हमें उसको भी इस तरीके से या तो मास्किंग टेप लेना है या आपके पास जो भी टेप हो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ना हो तो जैसे हमने ऊपर इनको बांधा है उसी तरीके से भी आप बांध सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें चूड़ियों को अटैच कर दिया है और इन सब के बीच में अब मैं मास्किंग टेप लगा दूंगी। यह बहुत मजबूत बनता है और इस पे आप अपना ढेर सारा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे घर में छोटा छोटा सा ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसको कि हमें रखने में या ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। आप अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो आपका सामान एक ही जगह पर रहेगा और बहुत सारा सामान एक साथ इसमें आ जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमें इन सब पर टेप लगा देना है और एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइज़र बनता है। देखिए, ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से बना है। आप इस पे अपने या अपने बच्चों के जो भी गॉगल्स हों या फिर और भी ऐसा सामान हो जो हैंग हो सकता है उसको हैंग कर सकते हैं। देखिए, आप इसमें अपने बच्चों के हेयर बैंड या और भी कुछ जैसे कि स्कूल के बेल्ट वगैरह होते हैं, सॉक्स होते हैं, उनको भी हैंग कर सकते हैं। इसमें आप अपने जो भी सामान हो जो हैंग करने लायक हो उनको हैंग कर दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए, हमने एक हैंगर पे कितना सारा सामान हैंग कर दिया है। और अगर आपके पास बहुत सारे दुपट्टे वगैरह हैं या छोटे छोटे ऐसे कुछ कपड़े होते हैं जो हमें ढूंढने में परेशानी होती है, आपके नैपकिन हैं, रुमाल हैं, उनको भी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास कुछ दुपट्टे रखे हुए थे, मैंने उनको भी हैंग कर दिया है। और आप इसको एक दीवार पर, एक इस तरीके से कील पर भी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको इस तरीके से हैंग कर दिया है और एक हैंगर पे हमारा ढेर सारा सामान आ गया है। आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये कैसा लगा और आपने किस तरीके से बनाया है। और ये बहुत आसानी से बन जाएगा, इसको बनाने में ऐसा कोई भी सामान यूज़ नहीं हुआ है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने किस तरीके से सिर्फ हैंगर और कुछ चूड़ियों की हेल्प से कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाया। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, वॉच माई वीडियो। ओके, बाय।